हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकेश एंड आई एम फ्रॉम regroup.com। और फ्रेंड, जैसे कि हम लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं और हम लोग रियल एस्टेट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और उसके इनपुट्स जो आज के मार्केट में क्या चल रहे हैं उसको हम शेयर करते रहते हैं अपने चैनल के थ्रू फ्रेंड्स। और रिसेंटली मैं पर्टिकुलरली मेरी टीम और मैं नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के एरिए में हम लोग प्रॉपर्टीज़ में यहाँ डील करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाए हैं नोएडा एक्सटेंशन को लेके, यहाँ पर किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरीके से इस एरिया को डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो पिछले जो हमारे वीडियोस हमने बनाए हैं उसके लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। आज हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, स्पेशली कि प्रॉपर्टीज़ लेना, एक घर लेना, होम बाइंग इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरीवन, चाहे वो एक आपका एंड यूज़ पर्पज़ हो, आपको अपने घर के लिए रहने के लिए एक घर चाहिए, या फिर आपको जो आपका एक पोर्टफोलियो होता है, आपका एसेट्स का पोर्टफोलियो आप कोई क्रिएट करता है जिसमें आपके बैंक बैलेंसेज, लिक्विड एसेट्स होती हैं, तो साथ में आप चाहते हैं कि आपका एक प्रॉपर्टी एज एसेट आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो फ्रेंड। तो आज हम बात करेंगे एक स्मार्ट होम बायर की। होम बाइंग इज़ नॉट ए ईजी प्रोसेस फ्रेंड्स, तो स्मार्ट कैसे बना जा सकता है इस प्रोसेस को लेके, बिकॉज हर किसी का एक सपना होता है कि कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक एसेट रियल एस्टेट से रिलेटेड एक क्रिएट करनी है, एक घर लेना ही लेना है फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ टॉपिक हम लोगों ने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में कस्टमर के साथ डील करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से और हमारा जो अपना एक्सपर्टीज है उसको लेके हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, तो उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब तो एक स्मार्ट होम बायर हम किसे कह सकते हैं फ्रेंड, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे और उसके अंदर क्या क्या, अगर आप एक सपना देख रहे हैं तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखिए, 10 पॉइंट मैंने बनाए हैं और हम 10 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो पॉइंट मैंने बनाया है फ्रेंड्स, लिखा है काम एंड पेशेंस। यस, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज होम बाइंग एक बहुत ही टिपिकल सा प्रोसेस है, इट्स नॉट ईजी एक्चुअली, इसमें थोड़ा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज एक लेंथी प्रोसेस होता है, आपको बहुत टाइम लगता है एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने में, एक अच्छा घर सेलेक्ट करने में, उसके बाद उसके लीगल फॉर्मेलिटीज, टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती हैं फ्रेंड्स, पूरी फैमिली को वो पसंद आना चाहिए, उसमें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका पैसा पूरा एक साथ लगता है, आपको कई बार लोन्स लेने पड़ते हैं, पैसा मांगना पड़ता है, पैसा अरेंज करना पड़ता है, तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस है आपके लिए, ये पैथेटिक नहीं होना चाहिए, तो वंस हैव टू बी काम एंड पेशेंस, बिकॉज इस प्रोसेस में बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे डे टू डे प्रैक्टिस में आपको बहुत सारे लोगों से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको कोई लीगल देख रहा है, कोई टेक्निकल देख रहा है, कोई प्रॉपर्टी आपको सजेस्ट करा रहा है, तो मल्टीपल लोगों से आपको मिलना पड़ता है, उनसे डील करना पड़ता है, और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है कि प्रॉपर्टी बाइंग इज नॉट कि आप गए और मार्केट में ले आए, ये हर कोई जानता है। तो इसीलिए सबसे बेसिक क्वालिटी एक स्मार्ट होम बायर के अंदर होनी चाहिए कि वो थोड़ा शांत हो, चीज़ों को समझे, उसको क्या बताया जा रहा है, किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा काम रहिए और थोड़ा पेशेंस रखिए फ्रेंड्स। तो अगर आप ये क्वालिटी अपने अंदर रखेंगे तो आपका एक घर का सपना 100% पूरा होने वाला है फ्रेंड्स। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, पर्पस ऑफ बाइंग। पर्पस ऑफ बाइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स आपके रियल एस्टेट जर्नी का, बिकॉज घर लेना सभी चाहते हैं, एक एसेट क्रिएट करना सभी चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना आना चाहिए कि वेदर आर यू गोइंग टू यूज दैट प्रॉपर्टी फॉर एंड यूज पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एंड यूज पर्पस में जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, और एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप रियल एस्टेट में करना चाहते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, दैट इज वेरी मच डिफरेंट, बिकॉज एंड यूज में आपको अकोमोडेशन देखनी है अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, वहां पे आपको किस किस चीज की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो वो एक आप 1 BHK से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा एरिया भी आप, एक छोटा सा टुकड़ा भी प्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट व्हेन इट्स कम टू एंड यूज, तो आपको एक प्रॉपर होम चाहिए विथ ऑल फैसिलिटीज, एक अच्छी सोसाइटी भी चाहिए आपको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको रियल एस्टेट में जब आप एंट्री करना चाहते हैं तो अपना पर्पस को बिल्कुल डिफाइन रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपको ये प्रॉपर्टी एंड यूज के लिए रखनी है, आपको यहाँ रहना है इस एरिया में 10 साल, 20 साल, 5 साल, बिकॉज आपका ऑफिस, बच्चों के स्कूल्स, नियर बाई लोकेशन, सब कुछ आपको सुटेबल होनी चाहिए। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, पैन इंडिया, जो भी अच्छी लुक्रेटिव आपको जगह दिखती है, जहाँ पे अप्रिसिएशन का पार्ट है, आपका बजट जहाँ तक अलाउड करता है, तो आपको हर जगह ऑप्शंस मिल जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एंड यूज में अगर आपको 4 BHK की रिक्वायरमेंट है
तो यू कैन नॉट एडजस्ट विद अ 2 BHK. तो आपका पर्पस बिल्कुल बाइंग का डिफाइन होना चाहिए, उसी हिसाब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स. तो ये था मेरा दूसरा पार्ट टॉपिक. तीसरा जो टॉपिक है मेरा फ्रेंड, जो तीसरा जो पॉइंट है, एक स्मार्ट होम बायर को रिक्वायरमेंट क्या आती है, चूज एन एक्सपर्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट. फ्रेंड, रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो होते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, व्हेन इट्स कम टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में करते हैं, तो यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस. तो फ्रेंड, रियल एस्टेट इज ऑल्सो नॉट अ इजी टास्क, एक इजी बाइंग नहीं है. तो यहां पर भी आपको एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट आएगी आएगी. तो सबसे पहले आप एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट अपना चूज करें. कैसे चूज करें उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जितने भी डेवलपर्स हैं आज की डेट में, जो अच्छे डेवलपर्स हैं, रिनोट डेवलपर्स हैं, वो उन्हीं रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ काम करते हैं जो रेरा रजिस्टर्ड होते हैं. रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसमें कि डेवलपर और जो उनके एसोसिएट्स हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, उनका प्रोफाइल वहां पर मैंडेट है, वहां पर रजिस्टर्ड होना मैंडेट कर दिया गया है. उसमें भी दो तरीके के होते हैं फ्रेंड्स, एक इंडिविजुअल होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, और एक कॉर्पोरेट रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं. तो देयर आर टू डिफरेंट लाइसेंसेस फॉर एज ए इंडिविजुअल वन एंड फॉर एज ए कॉर्पोरेट. जैसे कि rigroup.com जो हमारी अपनी फर्म है, वी आर ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड वी आर डीलिंग इन पैन इंडिया फ्रेंड्स. तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट को चूज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज होम बाइंग में आपको वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट कंसल्टेंट चुनना चाहिए जो आपको ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन आपको दोनों तरीके से हेल्प करे. बिकॉज रियल एस्टेट में आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है, यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, आपको अपनी फैमिली को लेके कभी फैमिली को दिखाना है, रिलेटिव्स को दिखाना है, अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने में टाइम लगता है. एक कंसल्टेंट आपको 2 projects, 5 projects, 10 projects तब तक दिखाएगा जब तक आपकी रिक्वायरमेंट मैच नहीं होती है फ्रेंड्स. तो इतना ट्रेवल एक्सपेंस और ट्रेवल टाइम हर किसी के लिए निकालना इट्स नॉट इजी. तो ऐसा रियल एस्टेट एक्सपर्ट चुनिए फ्रेंड्स जो आपको ऑफलाइन भी सपोर्ट दे, साइट विजिट कराए, आपके होम बाइंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करें, प्लस आपको ऑनलाइन 80-90-70-80% आपके जो वर्किंग है प्रॉपर्टी बाइंग की, वो आपको 70-80% आपको ऑनलाइन कराए. जिससे कि जैसे प्रॉपर्टीज के वीडियोस हो गए, आप जो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, साइट विजिट करेंगे एक्चुअल में, क्या वो एक्चुअल में वैसी है या नहीं है जैसा कंसल्टेंट आपको बता रहा है कि सर बहुत बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा फ्लैट है. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि rigroup.com पे आप हमारी अगर चैनल पे जाएंगे हमारे, तो आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के वीडियोस मिलेंगे, एक्चुअल वीडियोस आप देख सकते हैं, और आप अपना इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं साइट विजिट्स के लिए और फर्दर प्रोसेस के लिए. तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट के बारे में आपको उससे आपको नीड होनी चाहिए कि वो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हेल्प करे फ्रेंड्स. सेकेंडली, प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड हो, आपको चेक करना है उसे कि वो एज ए इंडिविजुअल वर्क कर रहा है या एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी काम कर रहा है, और रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है. यू कैन आस्क फॉर द रेरा नंबर ऑल्सो, जहां पर आप रेरा की वेबसाइट पे भी उसका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स. थर्ड चीज, द एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स, बिकॉज किसी को इंडस्ट्री में आए हुए एक महीना हुआ हुआ है, वो भी आपको प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट आपको गाइड कर सकता है. और एक टीम को होता है जिसको बहुत एक्सपर्टीज होती है, टाइम हो चुका होता है आपको इंडस्ट्री के अंदर, और वो आपको हर पार्ट पे आपको एडवाइस कर सकता है. जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से प्रोजेक्ट आपको लेने चाहिए, कितना बड़ा साइज आपको फ्लैट का या प्रॉपर्टी का आपको पसंद आएगा, किस टाइप की टाउनशिप आपको रिक्वायरमेंट है, कौन सी जो नियर बाई जगह है जो आपको ऑफिस के लिए या स्कूल्स के लिए आपके बच्चों को सूट करेगी, प्लस अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको होम लोन के रिक्वायरमेंट है तो आपको होम लोन के लिए भी गाइड करें आपको प्रॉपर कि आपको कितना लोन मिल सकता है, कैसे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिजाइन हो सकती है. आपको लीगल टेक्निकल, बिकॉज प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, आपको बिल्डर से डील करना है, अलॉटमेंट लेटर, उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है उसमें आपको प्रॉपरली गाइड करें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको प्रॉपर्टी के गाइड करें, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जहां प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके बारे में उसको हर चीज के नॉलेज हो. तो आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज, रेरा और कंपनी का प्रोफाइल, आपको हर चीज चेक करनी है फ्रेंड्स. इफ यू गॉट योर एक्सपर्ट रियल एस्टेट कंसल्ट, वो आपकी जो होम बाइंग प्रोसेस है आपके एफर्ट्स मिनिमाइज कर देगा और आपको मैक्सिमम आपको रिजल्ट देगा, और आपकी जो एक ड्रीम होम आपका जो ड्रीम होम है वो आप जल्दी से जल्दी आप उसको ले पाएंगे फ्रेंड्स. तो इसका आप ध्यान रखिए प्लीज, एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट चूज करें, मल्टीपल लोगों से बात करें, बट कुछ चेक पॉइंट्स के ऊपर.
जो कि मैंने अभी डिस्कस किए हैं फ्रेंड। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्वियसली जहां पे प्रॉपर्टी जुड़ी है वहां पर आपका फाइनेंस बहुत मैटर करता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और फाइनेंशियल प्लानिंग से कहने का मेरा पर्पस क्या है, अगर आप एक होम बाइंग का ड्रीम देख रहे हैं, आपको घर लेना है, तो आप अपने फाइनेंशियल को पहले प्लान करें, अपने बजट को पहले प्लान करें और उसी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को बताएं कि ये मेरा बजट है, इसी के अंदर में मुझे ये देखनी है। प्लस क्या है, एक ब्रैकेट बनाएं, बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा नहीं है कि आपने एक प्राइस बोला और आपको वो प्रॉपर्टी मिल गई, हो सकता है उस प्राइस में आपको शायद प्रॉपर्टी मिल रही है बट आपको वो पसंद ना आए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अपना जो रिलेटिव से आपको कहां से फंड है, आपको रेस करना है अपने, अगर आपके होम लोन लेना है तो आपने क्या अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी चेक कराई नहीं कराई है, अपने प्री अप्रूव्ड लोन कराया नहीं कराया, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ में प्रॉपर डिस्कस करें। आपका होराइजन क्या है, आपको रेडी टू मूव इन अगर घर लेना है, तैयार लेना है बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मनी आउटफ्लो इमीडिएट होगा एकदम सारा का सारा। अगर आपकी प्लानिंग ऐसी है कि आपको साल दो साल तीन साल में आपको घर लेना है, तो आपका जो मनी आउटफ्लो है वो आपका पैथिस में जाएगा, ट्रांचेस में जाएगा। तो हर चीज फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से ही एक रियल स्टेट जो आपका कंसल्टेंट है वो आपको एडवाइस कर सकता है और एक बहुत अच्छा ऑप्शन चूज करने में हेल्प कर सकता है। तो प्लीज इस पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, बहुत पेमेंट प्लान अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल रहती हैं। तो किसी की भी स्कीम में प्रॉपर्टी लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल्स को बहुत अच्छे से चेक करें फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर्टी मैटर। यहाँ पर थोड़ा पैसा नहीं जाता है, यहाँ पर एक साथ बहुत बड़ा मनी क्रंच आपका प्रॉपर्टी बैंक में लग जाता है फ्रेंड्स। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू रियल एस्टेट पोर्टल्स। रियल एस्टेट पोर्टल्स को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने इसलिए आपको एडवाइस किया है फ्रेंड्स, बिकॉज आज नहीं तो कल या इन फ्यूचर आपका एक ड्रीम है कि हाँ मुझे एक असेट क्रिएट करनी है रियल एस्टेट के अंदर या एक घर लेना है, तो अगर आप कुछ रियल एस्टेट पोर्टल्स को सब्सक्राइब करके रखेंगे नियर बाय लोकेशंस के अंदर, तो यू विल गेट द अपडेट्स फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर चैनल। आपको मालूम रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, होम बाइंग के प्रोसेस में आपको क्या क्या हेल्प हो सकती है। जैसे कि हम लोग भी एक तरीके से क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं उन्हें कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो आप कुछ ना कुछ चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपडेट रहे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में भी। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज तीन चार चैनल्स को आप सब्सक्राइब रखें जिस जिस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, सो यू विल गेट द अपडेट्स। सिक्स पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, ट्रस्ट ऑन योर कंसल्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो भी आपने चूज किया है प्लस उस पर ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट का पर्पज यह है कहने का कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके नीड है, आपकी फैमिली मैटर्स हैं, उनको किस तरह का घर चाहिए, आपकी जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट फाइनेंसेस हैं, आप कैसे उस प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं, अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करके उसको सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, जिससे कि बिकॉज जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट को देंगे उतनी ही ज्यादा अच्छा वो ऑप्शन आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से वो एक्सप्लोर करेगा और आपको देगा। ये एक लेंथी प्रोसेस है, एक अच्छा कंसल्टेंट आपको बहुत मदद कर सकता है फ्रेंड आपके होम बाइंग प्रोसेस में, जिसको प्रॉपर नॉलेज है। तो प्लीज अपने रियल एस्टेट एजेंट पे बिल्कुल ट्रस्ट रखिए और उसके साथ ही काम करिए, उसको हर चीज बताइए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है विद योर फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेंड्स। सेवन पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड हम, रियल एस्टेट नॉट ए फिट टू साइज प्रोडक्ट। रियल एस्टेट इज नॉट ए फिट टू साइज प्रोडक्ट फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आपको एक आपने एक इमेजिनेशन है कि मुझे ऐसा घर लेना है और वो आप जाएंगे और मार्केट में आपको मिल जाएगा। रियल एस्टेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, कुछ सोसाइटीज में आपको सोसाइटी पसंद आएगी, हो सकता है आपको फ्लैट समझ में ना आए, हो सकता है कोई आपको फ्लैट बहुत अच्छा लगे उसकी सोसाइटी आपको समझ में ना आए, हो सकता है फ्लैट बहुत अच्छा है किचन अच्छा ना हो सकता है उसमें बालकनी ना हो सकता है वो वास्तु कंप्लेंट ना हो। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में आपको घर लेना है तो आप गए और मार्केट में आपको एक प्रॉपर घर मिल जाएगा। रियल एस्टेट में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पे अपनी प्रॉपर्टी बाइंग
जो होती है आपको आपको देखना पड़ता है फ्रेंड्स, आपको कौन सा पेमेंट प्लान चाहिए, आपको 2 साल में पेंशन चाहिए, रेट मूविंग चाहिए, फ्लैट आपके मनपसंद है नहीं है, सोसाइटी आपके मनपसंद है नहीं है, नियर बाय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नियर बाय वो आपके रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है नहीं बैठता है। तो प्लीज कीप इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि आपने आज रियल एस्टेट प्लान किया और कल आप जाके प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो इसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, प्लस जो ऊपर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है फ्रेंड्स। 8th पॉइंट पे हम बात करते हैं, कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन यू कैन। पर्पस ऑफ दिस, जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं फ्रेंड्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए। इसीलिए मैंने आपको एडवाइस किया आप एक चैनल सब्सक्राइब करके रखिए कुछ चैनल, जिससे कि इंफॉर्मेशन आपको मिले, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनसे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, उनके फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटी किस तरीके से चल रही है, नियर बाय लोकेशन में आपके कुछ फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उनके थ्रू उस एरिया की जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी आपका डिसीजन उतना ही सही होगा फ्रेंड। तो इंफॉर्मेशन जिस आप जितनी ज्यादा हो सकते हैं गैदर करें, बट इंफॉर्मेशन गैदर करें जो आपके काम आए, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसीलिए इंफॉर्मेशन एक ट्रस्टेड सोर्स से ही लें जो कि एक एक्सपर्ट रिलेट जो स्टेट कंसल्टेंट ही आपको दे सकता है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है फ्रेंड्स। 9th पॉइंट पे हम आते हैं फ्रेंड, ऑलवेज चेक योर होम लोन एलिजिबिलिटी। फ्रेंड्स फाइनेंसिस होम लोन एक होम बाइंग, उसमें होम लोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि 80-90% आपकी जो फाइनेंसिस की नीड है उसको पूरा करता है। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले जब आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी चेक कराइए। चाहे आप अगर आप डायरेक्ट किसी बैंकर्स को जानते हैं तो बैंकर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो आपके क्रेडेंशियल आपकी इनकम का देख के आपको आपकी एलिजिबिलिटी का एक आइडिया दे सकता है, और आप बैंक से प्री अप्रूव्ड लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट को आप बोल सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी कितने की प्रॉपर्टी आपकी आ रही है ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बैंक फाइनेंस मिल सकता है, कितना आपके सेल्फ आपके ओन सोर्स के आपके फाइनेंसिस लगने वाले हैं, कितने पैसे लगने वाले हैं, वो आपको एक प्रॉपर एक कंप्लीट पैकेज बना के कि होम लोन आपका खुद फाइनेंसिस कितने लगने वाले हैं। एस्केलेशन कॉस्ट को आपको ध्यान में रखना है बिकॉज प्रॉपर्टी बाइंग करते हुए आपको बहुत सारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको अचानक से मालूम पड़ते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज, और फाइनेंशियली अगर आप उसके लिए रेडी नहीं होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ एक्सपेंस की जैसे बात करता हूं मैं आपको कुछ आइडियाज के लिए कि जैसे आपको सोसाइटी में आप एंटर कर रहे हैं तो कुछ बहुत सारे बिल्डर्स हैं 1-2 साल की मेंटेनेंस एडवांस मांगते हैं, आपको मीटर लगवाना है, आपको आईजीएल लगवाना है, आपको रजिस्ट्रार की फीस देनी है जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि इन जनरल अगर आप कॉस्ट शीट लेते हैं डेवलपर से या रियल एस्टेट कंसल्टेंट से वो उसमें नहीं बता पाएगा या नहीं बताते हैं। बट मेक श्योर कि आप पहली चीज तो अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से या डेवलपर से इसके साथ डील कर रहे हैं प्रॉपर एक एक जो भी पैसा आपके जेब से जाने वाला है आप प्रॉपर उसकी कॉस्ट शीट रेडी करवाएं, अपने नोट में रखें और उसी के हिसाब से फाइनेंसिस प्लान करें अपने, और 10-15% जो भी आपकी प्रॉपर्टी बाइंग में आपका बजट है 10% एटलीस्ट 5-10% आप एक अपने इस टाइप के एक्सपेंसिस के लिए एक बैकअप हमेशा बना के रखें फ्रेंड्स। तो अगर आप बैकअप बना के रखेंगे तो आपको कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे, और इस पॉइंट को आप प्लीज ध्यान रखिए कि होम लोन अपना होम लोन की एलिजिबिलिटी अपनी प्लीज चेक करिए, इधर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, इसके ऊपर भी हम लोग होम लोन के ऊपर कैसे एलिजिबिलिटी होती है, कितना लोन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, इस पर हम एक वीडियोस में बनाऊंगा अगर धीरे धीरे, तो प्लीज आप देखते रहिए हमारे वीडियोस जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहे। और फ्रेंड्स ये हमने 9 पॉइंट हमने डिस्कस किए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब regroup.com, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पे हम लोग रियल स्टेट से जुड़ी हुई जितनी जानकारी हम दे सकते हैं, पैन इंडिया रिग्रोप काम करती है, और जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं पैन इंडिया में प्रॉपर्टी लेने के लिए आप हमारे चैनल पे उस पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल मिलेगी, आपको एक्चुअल वीडियोस मिलेंगे प्रॉपर्टी के, आपको साइट विजिट्स तभी जानने की रिक्वायरमेंट है जब वो प्रॉपर्टी आपके कहीं इंटरेस्ट में आती है, आप हमारे चैनल पे एक्चुअल वीडियोस प्रॉपर्टीज के वीडियोस फ्लैट्स के वीडियोस जो भी टाउनशिप्स के वीडियोस उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन डेवलपर है, क्या प्राइसिंग है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन अवर चैनल regroup.com। और जैसे कि मैंने फ्रेंड्स बोला था सब्सक्राइब टू रियल एस्टेट पोर्टल्स, सब्सक्राइब करिए regroup.com भी करिए, बाकी जो आपको पसंद है वो भी करिए, और जितने इन्फॉर्मेशन हम आपको कोशिश कर सकते हैं देने की हम लोग देंगे। रियल एस्टेट और होम बाइंग से जुड़ी हुई जो भी प्रोसेस है
और जो भी उसमें चीजें आ सकती हैं आपके सामने, हर्डल्स आ सकते हैं या जो भी आपको फेस करना पड़ेगा, हम कोशिश कर रहेंगे फ्रेंड कि आपकी होम बाइंग जो जर्नी है वो बहुत हैप्पी रहे, बहुत अच्छी रही है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। सो आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सो दिस इज मुकेश फ्रॉम यू फ्रॉम डी ग्रुप। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।